Good morning, all of you. I hope you all are fine at your home. So children, in the last video, we have learned some parts of habitats of animals. And today, we will learn rest of the chapter. तो चलिए शुरू करते हैं. No more. Penguins and walrus have layered of fat under their skin, called blubber. पेंगुइन और वालरस में उनकी त्वचा के नीचे फैट्स यानी वसा की एक परत होती है जिन्हें ब्लूअर कहा जाता है. द ब्लूअर हेल्प्स देम टू कीप वार्म बाय स्टोरिंग एनर्जी. ब्लूअर ऊर्जा को जमा करके उन्हें गर्म रखने में मदद पहुंचाती है. दिस इज हाउ दे सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड. इसी वजह से ये जीव अधिक ठंड में भी जिंदा रह सकते हैं, खुद को जीवित रख सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, एक्वेटिक एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स. द एनिमल्स डैट लिव इन वाटर फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ देयर लाइफ आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स. वे जानवर जो अपनी जिंदगी का अधिकांश हिस्सा पानी में ही गुजारते हैं उन्हें जलीय जानवर कहा जाता है. द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स आर. जलीय निवास वाले जानवरों के स्थान के दो अलग अलग प्रकार होते हैं. फर्स्ट ओशियंस यानी महासागर. द फिफ्थ ओशियंस पैसिफिक ओशियंस, अटलांटिक ओशियंस, इंडियन ओशियंस, आर्टिक ओशियंस एंड साउथर्न ओशियंस कवर द टू थर्ड पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस. पांच महासागर जिनमें प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, भारतीय महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिण महासागर, यह सब पृथ्वी के सतह के दो तिहाई हिस्सों को पानी से ढके रहती हैं. The water of ocean is salty and whale, octopus, jellyfish are some animals that are found here. समुद्र का पानी खारा यानी नमकीन होता है. इसमें whale, octopus, jellyfish और इसी तरह के कुछ अन्य जीव पाए जाते हैं. Second, fresh water. First था oceans and second fresh water. These habitats have water of rivers, lakes, ponds and ditches. इन स्थानों में नदियाँ, झील, तालाब और खंडक का पानी आता है. Animals like duck, goose, fish, crab and turtle are found here. बतख, हंस, मछली, केकड़ा और कछुआ जैसे जानवर यहाँ पाए जाते हैं. सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग, एलिगेटर एंड क्रोकोडाइल लिव बोथ ऑन लैंड इन फ्रेश वाटर हैबिटेट्स. कुछ जानवर जिनमें फ्रॉग, एलिगेटर, क्रोकोडाइल होते हैं, ये सब जमीन के साथ साथ पानी पर भी रहने में अनुकूल होते हैं. दीज एनिमल्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस. इस तरह के जानवरों को एम्फीबियंस यानी उभयचर भी कहते हैं. नो मोर इंसेक्ट्स फॉलिंग इन द वाटर बिकम फूड फॉर फिश. पानी में गिरने वाले सभी कीड़े मकोड़े मछलियों के लिए भोजन बन जाते हैं. अब आइए थर्ड हाइबरनेशन. तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे हाइबरनेशन. सम एनिमल्स गो इनटू डीप स्लीप टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम सेवरल विंटर एंड सर्वाइव विदाउट ईटिंग मच. कुछ जानवर खुद को सर्दियों में बचाने के लिए गहरी नींद में चले जाते हैं और ज़्यादा खाए बिना भी जीवित रहते हैं. दिस स्टेट ऑफ एनिमल इज कॉल्ड हाइबरनेशन. जानवरों की इस स्थिति को हाइबरनेशन कहा जाता है. एनिमल्स लाइक बियर एंड लिजार्ड ईट मोर फूड देन यूजुअल ड्यूरिंग द ऑटम सीजन एंड स्टोर इट एज फैट टू यूज ड्यूरिंग विंटर देन दे गो इनटू हाइबरनेशन. भालू और छिपकली जैसे जानवर शरद ऋतु में
सामान्य जीवों से अधिक भोजन खा लेते हैं और जब वे हाइबरनेशन में चले जाते हैं तो ठंड के मौसम में उनको उपयोग में लाते हैं और उसी वसा को भोजन के रूप में लेते हैं और बहुत दिनों तक बिना कुछ खाए पिए जीवित रह जाते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप एंड द रेट ऑफ ब्रीथिंग स्लो डाउन। इस अवधि के दौरान उसके शरीर का तापमान काफ़ी कम हो जाता है और साथ ही साथ सांस लेने की दर भी काफ़ी धीमे हो जाती है, यानी वह जानवर बहुत ही धीरे धीरे सांस लेता है। अब फोर्थ में हम पढ़ेंगे माइग्रेशन, यानी किसी चीज़ का, किसी जानवर या किसी पक्षी का दूसरे जगह चले जाना। सम एनिमल्स एंड बर्ड्स मूव टू फार ऑफ प्लेस स्टे अवे फ्रॉम हार्स वेदर कंडीशन और लुक फॉर फूड एंड अ सेफ प्लेस फॉर देयर ब्रीडिंग। कुछ जानवर और चिड़ियाँ कठोर मौसम की स्थिति से दूर रहने के लिए, यानी जिस मौसम में वह खुद को नहीं रख पाते हैं उससे बचने के लिए कहीं दूर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं या उस भोजन को तलाश में जिन्हें वह खाते हैं उनको ढूंढने के लिए या फिर प्रजनन करने के लिए किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं। उनके इस जाने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, तो माइग्रेशन कहा जाता है। दिस मूवमेंट ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड माइग्रेशन। पक्षियों और जानवरों के द्वारा किया गया यह कार्य, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान दूर चले जाने का कार्य क्या कहलाता है, तो माइग्रेशन कहलाता है। द अफ्रीकन एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल। अफ्रीका का हाथी धरती का सबसे बड़ा जानवर है। इट माइग्रेट टू फाइंड फूड ड्यूरिंग द वेट एंड ड्राई सीजन्स। यह गीले और सूखे मौसम के दौरान भोजन खोजने के लिए पलायन करता है, यानी कहीं दूर चला जाता है। इंडिया इज होम फॉर मेनी माइग्रेटरी बर्ड्स। भारत कई प्रवासी पक्षियों के लिए घर है। इट इज एस्टिमेटेड डैट एवरी ईयर ओवर 100 स्पीसीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू इंडिया। यह अनुमान लगाया जाता है कि हर वर्ष प्रवासी पक्षियों की लगभग सैकड़ों प्रजातियां भारत में उड़ान भरती हैं। सम ऑफ द बर्ड्स डैट फ्लाई टू इंडिया आर फ्लेमिंगो, क्रेन्स, कॉमन टेल्स ईटीसी। भारत में उड़ने वाली पक्षियों में से कुछ फ्लेमिंगो, क्रेन और कॉमन टेल्स इत्यादि हैं। फॉलोइंग इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सम माइग्रेटरी एनिमल्स। कुछ प्रवासी जानवरों के द्वारा यात्रा करने की सूची निम्नलिखित है, यानी वह कितनी दूरी तय कर हमारे यहाँ आए हैं या कहीं और गए हैं, इनकी यह सूची नीचे है। इन दिस वे वी हैव लर्न अबाउट हैबिटेट ऑफ एनिमल्स, जिनमें हमने भिन्न भिन्न प्रकार के जानवरों तथा उनके रहने के अलग अलग प्रकार के जगहों के बारे में जाना। राइट डाउन ऑल क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर विच आर रिटन बिलो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर देन यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। Next video will be uploaded soon. Till then, stay home, stay safe.